नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो आपको 10:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट कर रहा है, मतलब आपका एक शेयर 10 शेयर होने वाले हैं। तो ऐसे ही शेयर के बारे में बात करेंगे कि क्योंकि एक शेयर आपका 10 शेयर होने वाला है, मतलब ये एक तरह से बोनस के रूप में है। तो अगर इस गिरावट के मार्केट में आपको बहुत ही लो प्राइस पे ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वो 10:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट कर रहा है, मतलब एक शेयर के बदले 10 शेयर आपको दे रहा है बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उस शेयर के बारे में। तो वो शेयर है हमारा आयसर मोटर लिमिटेड। करंट प्राइस आप देख सकते हैं 16,825 रुपया है और आप इसका रिटर्न देंगे वन ईयर में, देख सकते हैं फ्लैट है। वन ईयर में कोई भी इसमें मतलब रिटर्न नहीं मिल रहा है, वही फाइव ईयर्स में भी कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं फाइव ईयर्स में भी गिरावट है क्योंकि ऑटो सेक्टर काफ़ी सालों से अंडर परफॉर्म है। फिर मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं तो मैक्सिमम ईयर में देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम ईयर में ये स्टॉक्स पहले देखते हैं यहाँ पर 32,000 से भी एबव का हुआ करता था, मतलब समझ सकते हैं कि 30,000 से एबव का स्टॉक्स अभी आपको हाफ प्राइस में मिल रहा है और 10:1 का बोनस भी ये दे रहा है। डिविडेंड यील्ड भी शानदार है 1.11% का। उसके बाद इसका जो 52-week हाई प्राइस देखते हैं 23,450 है और अभी आपको मात्र 16,825 रुपया में मिल रहा है। और 52-week लो देखते हैं 12,450 है, जो कि पेंडेमिक सिचुएशन का जो गिरावट था मार्केट में उस समय इसमें गिरावट आया था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, पी रेशियो भी 22 है, पी रेशियो भी ठीक ठाक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका स्टॉक जो स्प्लिट हुआ है कब, मतलब क्या रिकॉर्ड डेट है, कब तक में आप शेयर लेते हैं तो इसका स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट आया है उसका भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो स्टॉक स्प्लिट है उसके बारे में। तो स्टॉक कब स्प्लिट हो रहा है, मतलब क्या रिकॉर्ड डेट होगा, मतलब कब तक शेयर आप इसका बाय कर लेते हैं तो आप इसके स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि इसका फेस वैल्यू 1 होने वाला है, अभी फेस वैल्यू 10 है। यहां पर देखते हैं कि एग्जिटिंग 1 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 इच इंटू 10 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू RS1, मतलब एक इक्विटी शेयर जो है फेस वैल्यू 10 का, वो 10 इक्विटी शेयर आपका हो जाएगा फेस वैल्यू 1 का। टू फैसिलिटेट लार्ज शेयर होल्डर बेस एंड एड लिक्विडिटी। तो मतलब ये हमारा जो रेशनल बिहाइंड द स्प्लिट, मतलब क्या इसके पीछे का लॉजिक है स्प्लिट करने का, वो यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्री सब डिवीजन में यहाँ 91,000 रिडीमेबल प्रीफ्रेंस शेयर जो है 9%, उसका फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। फिर इक्विटी शेयर जो है हमारा देख सकते हैं यहाँ पर वो है हमारा 3 करोड़ शेयर, जिसका फेस वैल्यू 10 है और वो फेस वैल्यू अब 1 हो जाएगा और ये 3 करोड़ शेयर अब हो जाएगा 30 करोड़ शेयर। ये 3 करोड़ शेयर अब हो जाएगा 30 करोड़ शेयर। तो समझ सकते हैं जिससे लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इसमें। उसके बाद इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो है हमारे यहाँ पर 2,73,04,570, ये भी अब हमारा 10 गुना हो जाएगा, मतलब 27,30,45,700 शेयर हो जाएगा जिसका फेस वैल्यू 1 होगा। तो समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा और उसका प्राइस भी अभी जो प्राइस देख सकते हैं 16,000, तो वो हो जाएगा 1600 रुपया, मतलब जिस रेशियो में हम स्टॉक को स्प्लिट करते हैं प्राइस उसी रेशियो में कम हो जाता है। तो प्राइस हमारा हो जाएगा 1600 रुपया, जिससे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर भी शेयर को बाय कर पाएंगे, क्योंकि 1600 रुपये के स्टॉक बाय करना थोड़ा कठिन पड़ता था, मतलब थोड़ा महंगा पड़ता था। तो अब जो है आप 1600 रुपया में हर कोई उस स्टॉक को बाय कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्सपेक्टेड टाइम है इसका कंप्लीट होने का, वह है 2-3 मंथ आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर। जब तक शेयर होल्डर 2-3 महीने में अप्रूवल दे देते हैं, अप्रूवल के 2-3 महीने बाद ये हो पाएगा। तो समझे, आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर के अप्रूवल के 2-3 महीने बाद ये स्टॉक स्प्लिट हो पाएगा। तो ये सारा मतलब इन्फॉर्मेशन था स्टॉक स्प्लिट का। अब हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है, क्योंकि रिजल्ट के अनुसार आप थोड़ा इसका जो प्राइस क्या होगा
प्राइस का मूवमेंट मार्केट के साथ, मतलब मार्केट के डायरेक्शन पर भी प्राइस सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। मार्केट में करेक्शन होता है तो स्टॉक के प्राइस में भी करेक्शन देखने मिलेगा। अगर मार्केट अपवर्ड जाता है तो स्टॉक भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाते देखने मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू है 2325 करोड़, ये हमारा करोड़ में है प्राइस। अगर हम कंपेयर करें जो मार्च क्वार्टर है हमारा 2019 का, उसके कंपैरिजन में देख सकते हैं काफ़ी कम है। 2641 करोड़ था मार्च क्वार्टर में, तो रेवेन्यू से जो टोटल इनकम है, मतलब टोटल इनकम जो है हमारा वो डिक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ था। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 2123 करोड़ रेवेन्यू था ऑपरेशन से, तो कस्टमर से जो रेवेन्यू था वो सारा डिक्रीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं, क्योंकि हमारा अभी आप जान ही सकते हैं कि जो ऑटो है उसका सेल्स नहीं है, और इसका जो ट्रक है आयसर का आप ट्रक भी देखे होंगे, जो ट्रक होते हैं छोटे छोटे ट्रक वो भी आयसर के आते हैं। तो मेन इसका जो बुलेट बाइक है, जो बुलेट बाइक देखे होंगे वो आता है, इसका जो मुख्य प्रोडक्ट है वही बुलेट बाइक। इनका इतना पॉपुलर हुआ, यूथ में इतना क्रेज है युवा लोगों में बुलेट बाइक का, जो इसके स्टॉक को काफ़ी मतलब फ़ायदा पहुंचाया, और आगे भी वो क्रेज बना रह सकता है जो बुलेट बाइक का है, क्योंकि वो युवा लोगों में काफ़ी पसंद किया जाता है जो यंग लोग हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे फिर से हमारा सिचुएशन नॉर्मल होता है तो इनके प्रोडक्ट फिर काफ़ी सेल होंगे, तो फिर से स्टॉक में तेज़ी देखने मिल सकती है। वहीं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं 346 करोड़ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करें मतलब मार्च 2019 से, तो मार्च 2019 में 480 करोड़ था, तो काफ़ी डिक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर तो 126 रुपया है अर्निंग पर शेयर, 176 रुपया था मार्च में, मतलब 2019 में, अभी मार्च 2020 में 126 हो गया, तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी डिक्रीज हुआ है। तो ये था हमारा स्टैंड लोन रिजल्ट, ये था हमारा स्टैंड लोन, और हम आप बात करेंगे आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट का। ये यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंड लोन रिजल्ट था, अब हम बात करेंगे इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट का। तो ये देख सकते हैं ये हमारा कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, तो चलिए हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए आफ्टर टैक्स 304 करोड़, और जो हमारा मार्च क्वार्टर 2019 में था 544 करोड़, तो बहुत ही ज़्यादा हमारा डिक्रीज हुआ है, जबकि लॉकडाउन मात्र 10 दिन था। 10 दिन के लॉकडाउन में समझ सकते हैं इतना इफेक्टेड हुआ है नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर का, तो जून क्वार्टर का प्रॉफिट कितना इफेक्टेड होगा वो आप सोच सकते हैं। उसके बाद अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर है हमारा 111 रुपया हमारा देख सकते हैं मार्च 2020 का, वहीं देख सकते हैं 199 रुपया 73 पैसा है हमारा किसका मार्च 2019 का। यहाँ पर हमारा कंसोलिडेटेड रिजल्ट में अर्निंग पर शेयर काफ़ी गिर चुका है, लगभग आधे के बराबर हो चुका है, मतलब समझ सकते हैं 40% का गिरावट है अर्निंग पर शेयर में, वहीं प्रॉफिट में भी काफ़ी गिरावट है। तो इस तरह समझते हैं रिजल्ट काफ़ी इफेक्टेड हुआ है लॉकडाउन के कारण, इस पैंडमिक सिचुएशन के कारण। तो आपको इस स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए वो आपको सोचना है, कि मार्केट अगर हमारा डाउन जाता है, मतलब मार्केट में करेक्शन आता है, निश्चित है इस स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है स्प्लिट होने में टाइम है 2-3 महीने का, तो आप जो है मार्केट के डायरेक्शन का वेट करें। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो आप देख सकते हैं कि डॉ जॉन्स से एक दिन में 7% में गिर चुका था, हमारा मार्केट भी 2% गिर चुका था, दूसरे दिन फिर उसमें तेज़ी देखने मिला 2% के अप्रॉक्स, 1% के अप्रॉक्स। तो ये सारा मार्केट का भी सीनेरियो है, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है उस पर आप नज़र रखेंगे। उसके बाद इसमें आप जब करेक्शन आता है इसमें, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको 12,000-13,000 के आसपास मिलता है तो इस स्टॉक में ज़रूर बाइंग करें। एक स्टॉक बाय करते हैं तो फिर आपको उसमें भी आगे जाकर के रिटर्न मिलेगा, साथ साथ स्टॉक स्प्लिट का आगे बेनिफिट्स आएगा वो भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।